नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपका आपके साथ अजितेश मिश्रा। विवाद विवाद और विवाद, किसी भी बौद्धिक आयोजन में जब विवाद शब्द जुड़ जाता है तो उसके मायने बदल जाते हैं। जयपुर साहित्य महोत्सव के साथ यही हो रहा है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आज फिर कर रहे हैं। विवाद क्यों? साहित्य महोत्सव इस बरस अपनी 10वीं वर्षगांठ बना रहा था, लेकिन इसका समापन इस साल भी विवादों से भरा रहा। पहले मनमोहन वैद का आरक्षण को लेकर दिया गया बयान, तो ऋषि कपूर का गांधी परिवार पर दिया गया बयान और अब तस्लीमा नरसिंह का इस्लाम पर दिया गया बयान। महोत्सव के आखिरी दिन विवादित लेखिका तस्लीमा नरसिंह का सेशन था। दिग्गी पैलेस पे लोग जमा हुए थे और ऐसे में तस्लीमा ने कह दिया कि इस्लाम की आलोचना स्वीकार होनी चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए। इस बात पर मुस्लिम संगठन भिदक गए और हंगामा शुरू हो गया। बड़ा सवाल यह है कि साहित्य महोत्सव अखाड़े में तब्दील क्यों हो जाता है? क्यों लेखकों और विचारकों के बयान पर इतना हंगामा हो जाता है? बड़ी बहस में हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार साहित्य के नाम पर क्या हर साल होने वाले इस महोत्सव में हंगामा होता रहेगा। तो 5 दिन का आयोजन था, कोशिश ये थी कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक मंच पर आएंगे और उनके विचारों की रोशनी से समाज का कुछ अंधेरा छट जाएगा। लेकिन विडंबना ये है कि अंधेरा तो और बढ़ गया है कि आखिरकार साहित्य सम्मेलन में हर साल ये हो क्या रहा है। इस साल जेएलए की शुरुआत भगवा रंग के विवाद में हुई, बीच में इसमें आरक्षण ने बवाल मचाया और अंत हुआ इस्लाम पर दिए तस्लीमा के बयान से। चलिए सुन लेते हैं। एक शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग संदर्भों में आया है। इस हमारे समाज के बांधवों को हमने सैकड़ों साल तक सम्मान से, सुविधाओं से, शिक्षा से वंचित रखा है। ये बहुत अन्याय हुआ है, ये एकदम गलत हुआ है। उसका परिभाजन करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होने का उनको सबसे दूर रखा गया, ये ठीक नहीं है। इसलिए उनको साथ लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में आरंभ से किया गया है। यह भी कहे डॉक्टर आंबेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का स्थान समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण की सिवा बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाबाद बनाने वाली बात है ऐसा लगता है। In the second part of my book, Utal Hawa, I described how I was oppressed and tortured by my husband and how I was forced to divorce him. Everybody liked that because I was, as a woman, I was very vulnerable, really weak, and I was tortured and I was oppressed. Everybody was sympathized with me. But when, in the third part of my autobiography, when I described, I'm a very strong person. I decided for myself. I decide what I will do. It was me who decide what I will do with my body. You know? Then they didn't like me anymore. Then they thought that I was... The question is that in Hindustan, in every city, there will be some important people in whose name स्थापना है, उनके नाम पे हो। हर चीज पॉलिटिशियन के नाम पे क्यों होती है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होना चाहिए, बोलना चाहिए कि आपको ये जरूरी हटा दो कि पॉलिटिशियन का तो कोई होना ही नहीं चाहिए किसी पे नाम पे। मैं तो कई चीजें देखता हूँ, जेआरडी टाटा के नाम पे किर्लोस्कर, कितने लोगों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस देश में। मैं इस बात को बिल्कुल गलत समझता हूँ, बिगिनिंग से मैं कह रहा हूँ। या आप लोग भी अगर आप मेरे साथ सहमत है तो ये तो वो बयान थे जिनके बाद विवाद शुरू हो गया। अब इन विवादों पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की आई हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। We appreciate the sentiments that they have placed before us and we will take that in board going forward. Our purpose has never necessarily been in any way to denigrate any minority community, but the platform of the Jaipur Literature Festival will continue to be a platform for all kinds of perspectives which we have discussed. One third
पार्ट जो है इस्लाम और मुसलमानों से रिलेटेड होता है, इस्लाम से डिफरेंस रखते हैं लोग, हम उस पर कभी किसी को ऑब्जेक्ट नहीं किया है। हमारा ऑब्जेक्शन ओनली सिर्फ सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन के ताल्लुक से था, बिकॉज सलमान रुश्दी इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली बकी, सैटनिक वर्सेज इसकी बहुत वर्स्ट बुक है जो हिंदुस्तान में अब टिल टुडे बैंड है। तस्लीमा नसरीन एग्जाइल है, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उसको निकाल रखा है, इसने द्विखंडता और लज्जा के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत गाली दी है। इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ये इनकी जो सजा है वो डेथ ऑफ पेनल्टी है। तो आखिरकार इस पूरे मामले पर अगर हम देखें, लगातार बयानों के बाद विवाद गहराता नजर आया, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आईं, अब कई तरह के जो सवाल हैं इस पूरे साहित्य महोत्सव को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार अब तक जिस तरह से विवाद शुरू होता है, ये विवाद क्यों होता है। जितने बयान हमने आपको सुनाए, ये बयान इस महोत्सव के थे, इससे पहले भी ये जो महोत्सव है ये विवादों में रहा है, कई तरह के विवादित बयान दिए गए अपने आप में, इसको लेकर सवाल जो है वो चर्चाएं अपने आप में होती रही हैं। लेकिन अब क्या ये विवाद आयोजकों के लिए मार्केटिंग के फंडे हैं, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थिति है। आपको बता दें कि दरअसल लगातार हर सेशन में अलग अलग लोग आए, जहां पर तस्लीमा नसरीन से लेकर ऋषि कपूर, मनमोहन वैद्य, सबने अपने अलग अलग तरह से अपने विचार रखे। लेकिन इन तमाम बयानों के बाद विरोध खड़ा हो गया इन बयानों का, बाहर विरोध शुरू हुआ, सफाई तक देनी पड़ गई कई लोगों को अपने इस बयान पर। और बुद्धिजीवियों के मजबे में ये राजनीति क्यों घुस रही है, इंडिया न्यूज के कुछ सवाल हैं। सवाल दरअसल ये हैं, जीएलएफ को लेकर बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे इन सवालों पर। मंच पर लेखक और विचारकों का राजनीतिक इस्तेमाल आखिरकार क्यों किया जा रहा है या फिर क्यों किया जाता है, ये विवाद क्या आयोजकों के लिए मार्केटिंग फंडे हैं प्रसिद्धि हासिल करने के लिए, हर साल विवादों में आखिरकार क्यों रहता है जीएलएफ, क्या इस तरह की स्थिति के बीच कुछ समय बाद जीएलएफ को विवादों का महोत्सव कहा जाने लगेगा। और वहीं महोत्सव का जायजा लिया संवाददाता छवि अवस्थी ने। जयपुर में बीते 10 साल से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, इसे साहित्य के सरोवर के रूप में लोगों के सामने रखा जाता है। लेकिन ये ही साहित्य का सरोवर जब यहाँ लोग आते हैं, अपने विचार रखते हैं और वो विचार विवाद में बन जाते हैं, ये विवाद आज के नहीं बीते 10 साल से हर साल कोई ना कोई ऐसा विवाद यहाँ उठ के आता है। और ऐसा ही कुछ इस साल भी देखने को मिला है, जहाँ एक लेखिका ने अपने विचार व्यक्त किए और वो विचार विवाद के रूप में तब्दील हो गए। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चाहे जिस उम्मीद में इसे साहित्य के मंच के रूप में जो साहित्यकार है वो यहाँ आए और अपने साहित्य के इस सरोवर में डुबकी लगा सके, इस उम्मीद में इसे चलाया जाता था। लेकिन अब ये वहाँ से उठ के राजनीतिक मंच और विवादों का मंच बन के रह गया है। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज आखिरी दिन भी नजर आया। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पुलिस बल तैनात है। ये पुलिस बल तैनात सिर्फ लोगों की सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये इसलिए भी तैनात। तो आखिरकार क्यों साहित्य का महोत्सव विवादों का महोत्सव बनता जा रहा है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है, आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ इस खास चर्चा में अविनाश त्रिपाठी जी हैं, फिल्मकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में प्रवीण कुमार हैं, कवि हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रताप राव हैं, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वाकई में जिस जीएलएफ की हम बात करते हैं, जो अक्सर हर बार अलग अलग तरह से विवादों में सामने आता है, ये कितना सही है। सबसे पहले हम अविनाश त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। अविनाश जी, आप फिल्मकार हैं, खासतौर पर अगर हम साहित्य की बात करें तो जिस साहित्य को बढ़ाने के लिए, जिस साहित्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए, विचार साझा करने के लिए जेएलएफ का आयोजन किया जाता है, लेकिन लगातार ही आखिरकार विवादों में क्यों गिरता जा रहा है, क्या कुछ कारण और क्या कुछ आकलन आप करते हैं इस पूरे जेएलएफ का, खासतौर पर इस सेशन का? देखिए, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जेएलएफ भी एक तरह के बाजार का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और एक प्रोडक्ट के तरीके से पिछले कुछ सालों में हमारे सामने आया है। और जिस तरीके से किसी प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में लॉन्च करते हैं या उसको रीलॉन्च करते हैं, तो नई नई मार्केटिंग की चीज़ें की जाती हैं जिससे वो जनता के बीच में ज़्यादा पेनिट्रेट करे। कुछ हद तक जेएलएफ भी इस तरह के ही कार्यों को करने लगा है जिससे उसकी रीच समाज के अलग अलग वर्गों में पहुंचे। इसमें मेरा एक दो बात को मैं कहना चाहूँगा। एक तो जो साहित्यकार है, अगर वो कोई बात कहता है और उसके तहत कोई विवाद होता है या उसको बुलाना होता है, इस बात के लिए तो मैं काफी हद तक फिर भी सहमत हूं। अगर आयोजक साहित्यकारों को बुलाते हैं, वो विवादित हैं, तो भी उनका स्वागत है, क्योंकि उनका एक अपना अलग मत है। हो सकता है वो मत एक समाज के एक बड़े हिस्से को
सही नहीं लगता हो, लेकिन उनका भी एक मत है और डेमोक्रेसी में उनके मत का स्वागत किया जाना चाहिए। किसी ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए जिससे वो अपनी बात ना कह सके। दूसरे एक तरह का विवाद है जो बड़ा प्रायोजित विवाद लगता है, जिसमें राजनीतिक लोगों को बुलाकर उनको एक मंच दिया जाता है, जो एक गैर राजनीतिक प्रोग्राम है उसमें राजनीतिक लोगों को मंच दिया जाता है। मुझे लगता है ये इस तरह का जो विवाद है उससे आयोजकों को अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि मुख्यतः जेएलएफ का जो शुरुआत हुई थी वो विभिन्न विचारधाराओं के जो साहित्यकार हैं, सिनेमा से जुड़े हुए जो लोग हैं, कला से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी बात को जनता के सामने रख सकें, इसके लिए इसकी शुरुआत हुई थी। तो जब तक उन तक ये चीज जुड़ी हुई है, हर तरह के विवाद का स्वागत किया जा सकता है, जाहिर सी बात है। और दरअसल कोशिश भी अगर हम देखें यही है, लेकिन अब वो कोशिश कितना साकार हो पा रही है अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रवीण जी, आपसे हम जानना चाहते हैं इस पूरे मामले पर अगर हम देखें, जब भी हम जेएलएफ की बात करते हैं तो क्या ऐसा आज इस तरह की स्थिति नहीं है कि जब हम बाहर जेएलएफ खत्म होने के बाद किसी से बात करें, एक साल बाद बात करें और जेएलएफ का जिक्र करें, तो क्या जेएलएफ साहित्य के तौर पर जाना जा रहा है, या फिर यह कहा जा रहा है अच्छा वो जेएलएफ जिसमें पला पला अस्थी ने यह विवादित बयान दिया था, उसके बाद जिस तरह का प्रदर्शन हुआ था, ये पहचान बन गई है जेएलएफ की? जी प्रवीण जी, आवाज कम आ रही है थोड़ा। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोबारा रिपीट करें? हाँ, मैं आपसे समझना चाह रहा था, क्या अब तक इस तरह की स्थिति बन गई है जेएलएफ को लेकर कि हम जेएलएफ को साहित्य के तौर पर, इसकी शुरुआत हुई थी साहित्य के संगम के तौर पर, लेकिन आज इसकी ऐसी पहचान बन गई है कि जेएलएफ खत्म होने के बाद अगर हम किसी से जेएलएफ के बारे में पूछें तो दरअसल इसकी याद जो है वो इस तौर पर की जाती है कि अच्छा जेएलएफ वही जेएलएफ जहां पर फला फला अस्थी ने विवादित बयान दिया था और उसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन या जयपुर में प्रदर्शन हुए थे, ये पहचान बन गई है जेएलएफ की क्या? देखो साहब, मैं अपनी सोच बताता हूं। हाँ, कि साहित्य के नाम पे ये एक कुछ बाजारवाद सा हो रहा है, वरना हाँ, साहित्यकार तोड़ने की बातें नहीं करते। हाँ, साहित्यकार जोड़ने की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ जोड़ने वाली कोई बात मुझे नजर नहीं आती। जैसे आप तस्लीमा जी का नाम ही देखो, वो तस्लीम करती हुई नजर आती है, जैसे किसी का नाश करने के लिए आई है वो, या कोई कम्युनिटी के लिए इतना वो नहीं करना चाहिए, सबको एक साथ लेने की कोशिश करनी चाहिए। साहित्यकार का ये धर्म बनता है कि समाज में एकता बने। अब ऋषि कपूर में नाम में देखो ऋषि है, लेकिन ऋषि जैसा उनका कोई आचरण उनमें नहीं नजर आता। अब वैद्य जी भी यहाँ बोल रहे हैं तो ये सबका इलाज करना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसे इलाज थोड़ी होगा साहब। हाँ, साहित्य ओरिजिनल साहित्यकार इस जेएलएफ से गायब है, उनको तो शायद एंट्री भी नहीं हो पा रही है। हाँ, और लोकल साहित्यकारों की तो हालत ही क्या होगी जब देश के बढ़िया बढ़िया साहित्यकारों को मौका नहीं मिल रहा। और ये असली मुद्दे से भटक रहे हैं, साहित्यकार चाहता है कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। तो ये उन लोगों को इनवाइट ज्यादा कर रहे हैं जिसमें पलंगों को तकलीफ देने वाले लोग मुझे ज्यादा नजर आते हैं। सही बात है, और सही मुद्दे की बात कम होती है। बिल्कुल, मुद्दे की बात कम होती है, आखिरकार मुद्दों की बात कब होगी अपने आप पे बड़ा सवाल है। हम एक छोटे से ब्रेक ले रखेंगे, ब्रेक के बाद प्रताप जी के पास चलेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे जेएलएफ साहित्य का संगम है, साहित्य का महोत्सव है, या फिर विवादों का महोत्सव है, क्योंकि अब तक तो स्थिति इसी तरह की सामने आई। एक छोटे से ब्रेक के बाद